आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आप लोग जुड़ गए हैं सभी लोग भारत के इस सबसे बड़े YouTube चैनल में अंग्रेजी सीखने के लिए मनमोहन सर के साथ। यदि साथियों आप लोगों में से यदि कोई नया है मेरे इस YouTube चैनल में तो रेड बटन को क्लिक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें था और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया अपडेट आप लोगों तक टाइम से पहुंच सके। दोस्तों ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करता हूं, अपनी क्लास पर आ जाता हूं। दोस्तों तैयार हो जाएं, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखें। यदि कोई दिक्कत आ रही है इस क्लास में तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे दोस्तों आज की ये वीडियो क्लास रहने वाली है प्रपोजिशन के बारे में, और प्रपोजिशन के बारे में ये आज का प्रपोजिशन रहेगा अबाउट। इंग्लिश ग्रामर के प्रपोजिशन चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट का यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में, ABOUT अबाउट का यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में। दोस्तों अपनी स्क्रीन पर आ जाएं, पेन और कॉपी जरूर निकाल लें। मैंने यहां पर कुछ चीज लिखकर रखी है और सेंटेंस भी लिखकर रखे हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कर लें कि आज जो जिस प्रपोजिशन के बारे में आप पढ़ रहे हैं वो है अबाउट। सबसे पहले देखेंगे नंबर एक पर अबाउट का यूज हम के बारे में के अर्थ में यूज करते हैं, के बारे में या के संबंध में, के बारे में या के संबंध में के अर्थ में हम अबाउट का यूज करते हैं। किसी भी सेंटेंस में यदि हमें इस टाइप से हिंदी अर्थ हमारा निकल रहा है या हमें इस टाइप से हिंदी अर्थ चाहिए के बारे में के अर्थ में तो हम अबाउट प्रपोजिशन का यूज करते हैं। दोस्तों कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखकर रखे हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिखा मैंने, आई नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में जानता हूं, मैं उसके बारे में जानता हूं। आई नो अबाउट राकेश, मैं राकेश के बारे में जानता हूं, मैं सीमा के बारे में जानता हूं, मैं अमेरिका के बारे में जानता हूं। मतलब यदि आपके बारे में की अर्थ में आपको यूज करना है तो अबाउट प्रपोजिशन का यूज रहेगा। यहां पर जैसे मैंने कहा दिस बुक इज अबाउट लक्ष्मीबाई, ये किताब लक्ष्मीबाई के बारे में है। दिस स्टोरी इज अबाउट राणा प्रताप, ये कहानी महाराणा प्रताप के बारे में है। दिस स्टोरी इज अबाउट महाराणा प्रताप, ये कहानी महाराणा प्रताप के बारे में है। यह कहानी LOC कारगिल के बारे में है, यह कहानी कश्मीर के बारे में है। अब आपको समझ आ गया होगा दोस्तों पहला वाला रूल्स का, पूरी तरह से अंडरस्टूड हो गए होंगे आप, कोई दिक्कत आप। चलिए सेकंड रूल की ओर बढ़ता हूं। अबाउट का यूज हम लगभग के अर्थ में करते हैं। अबाउट का यूज कब करते हैं? लगभग के अर्थ में या करीब करीब, करीब करीब। मैंने कहा कि भोपाल से छतरपुर लगभग 500 किलोमीटर है, भोपाल से छतरपुर लगभग 500 किलोमीटर है या भोपाल से छतरपुर करीब करीब 500 किलोमीटर है, तो हम अबाउट का यूज करेंगे। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख के रखे हैं, इन एग्जाम्पल्स को भी आप नोट कर लें अपनी कॉपी में ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। मैंने कहा जयपुर इज अबाउट 800 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, जयपुर लगभग 800 किलोमीटर है फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से कितना है लगभग 800 किलोमीटर दूर है जयपुर, या जयपुर इज अबाउट 800 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, जयपुर करीब करीब 800 किलोमीटर दूर है दिल्ली से। मुंबई इज अबाउट 1500, मुंबई इज अबाउट 1500 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल, मुंबई भोपाल से लगभग यह करीब करीब 1500 किलोमीटर दूर है। ये रहा दोस्तों लगभग के अर्थ में या करीब करीब के अर्थ में अबाउट का यूज।
थर्ड देखिए आप, थर्ड रूल अबाउट का यू हम वाला है, वाली है, वाले हैं के अर्थ में, वाला है, वाली है, वाले हैं के अर्थ में कार्य जल्द ही शुरू होने के भाव में करते हैं। कार्य जल्द ही शुरू होने के भाव में करते हैं। कार्य जल्द ही शुरू होने के भाव में हम अबाउट का यूज करते हैं, जिसका हिंदी अर्थ होगा वाला है, वाली है, वाले हैं। मैं जल्द ही एक कार खरीदने वाला हूं। मैं जल्द ही एक कहानी लिखने वाला हूं। मैं जल्द ही एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। मैं जल्द ही ये काम करने वाला हूं। मतलब दोस्तों समझ गए होंगे आप, यहां पर काम को जल्द ही शुरू होने का भाव रहता है सेंटेंस में, वह हम अबाउट का यूज करते हैं। लेकिन इस चीज को नोट कर ले दोस्तों, अबाउट जब इस टाइप से भाव रहेगा सेंटेंस में, कार्य जल्द ही शुरू होने का भाव रहेगा, तो अबाउट टू प्लस वी वन होगा। अबाउट टू रहेगा और वी वन, यानी कि ये इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब का यहां पर यूज होगा। टू प्लस वी वन का यूज होगा अबाउट के साथ। क्या दोस्तों? टू प्लस वी वन का यूज होगा अबाउट के साथ। एग्जाम्पल मैंने कुछ स्क्रीन पर रखे हुए हैं, आप उनको भी नोट कर सकते हैं। आई एम अबाउट टू आएगा, यहां देखिए आप, टू और वी वन है, यहां पर टू वी वन है, यानी कि टू प्लस वी वन मतलब टू इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। अबाउट के बाद टू रहेगा और प्लस वी वन रहेगा। इससे क्या होगा दोस्तों? कार जल्द ही शुरू होने का भाव व्यक्त होगा। वाला है, वाली है कि अर्थ में मैंने कहा मैं एक कार खरीदने वाला हूं। द स्कूल इज अबाउट टू ओपन, स्कूल खुलने वाला है, स्कूल जल्द ही खुलने वाला है, यह स्कूल खुलने वाला है। आई एम अबाउट टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं या मैं एक नया चैप्टर जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूं। ये है दोस्तों तीसरी कंडीशन में। इसमें क्या है? कार्य को जल्द ही शुरू होने का भाव व्यक्त होता है इस टाइप के सेंटेंस में। अबाउट टू प्लस वी वन रहेगा। समझ गए दोस्तों? इस टाइप के लाखों करोड़ों सेंटेंस आपके दिमाग में आ सकते हैं। चुनाव शुरू होने वाला है या चुनाव शुरू होने वाले हैं, यानी कि अब कोरोना गया और चुनाव शुरू होने वाले हैं। देखिए अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला, फिर मध्य प्रदेश में चुनाव आएगा, है ना। द इलेक्शन इज अबाउट टू बिगन, द इलेक्शन इज अबाउट टू बिगन, चुनाव शुरू होने वाला है, जल्द ही चुनाव शुरू होने वाला है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे अब कि अबाउट टू का यूज उस कंडीशन में करते हैं सेंटेंस में जब काम को जल्द ही शुरू होने वाला का भाव यदि व्यक्त हो रहा है। वाला है, वाली है, वाले है करते हैं। दूध वाला आने वाला है, चाय वाला आने वाला है, लाइट जाने वाली है, लाइट आने वाली है। समझ गया ना दोस्तों? यहां पर आप अबाउट टू प्लस वी वन का आप यूज करेंगे। अब दोस्तों मैं एक और आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो अब तक किसी ने नहीं बताया होगा वास्तव में, उसको भी आपको नोट कर लेना है। यहां देखें आप, यहां पर देखें आप, यहां डिस्कस, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन लिखा है। डिस्कस, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन लिखा हुआ है यहां पर। इन वर्ब के बाद कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता। डिस्क्राइब, डिस्कस, अबाउट और एक्सप्लेन। डिस्कस, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन में यदि अबाउट दिया गया है तो बिल्कुल पूरी तरह से वो सेंटेंस गलत है मित्रों। मैंने एग्जांपल भी लिख के रखे हैं, अभी मैं बता रहा हूं। जैसे मैंने बोला कि मेघा डिस्कस अबाउट हर प्रॉब्लम, मेघा ने अपनी समस्या के बारे में डिस्कस किया, लेकिन यहां पर अबाउट नहीं आएगा, ये पूरी तरह से सेंटेंस गलत है यदि अबाउट है। इन तीन वर्ब के बाद अबाउट कतई नहीं आता है और भी कोई प्रपोजिशन नहीं आता है। हां यदि इन तीनों का नाउन फॉर्म में, डिस्कस जैसे शब्द का नाउन फॉर्म में यदि यूज है तो
अबाउट आ सकता है। यदि वर्ब फॉर्म में यूज किया गया है सेंटेंस में तो अबाउट नहीं आएगा, यदि अबाउट आता है तो पूरी तरह से सेंटेंस रॉन्ग है। देखिए इस ये पूरा सेंटेंस सही कब होगा, जब इसको हटाएंगे तब ये सही होगा। मेगा डिस्कस हर प्रॉब्लम, अबाउट नहीं आएगा यहां पर। एक और सेंटेंस लिखा मैंने, आई डिस्क्राइब अबाउट माई सिचुएशन टू माई टीचर, मैंने डिस्क्राइब अपनी समस्या को अपने टीचर को डिस्क्राइब किया। तो यहां अबाउट बिल्कुल भी नहीं आया, पूरी तरह से गलत है सेंटेंस। जब इसको हटाएंगे तब ये सेंटेंस सही माना जाएगा। ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताता है, ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है इस टाइप से, इसलिए इसको आप नोट कर लेंगे इसमें आप, क्योंकि लगता है आपको इसमें अबाउट आएगा लेकिन अबाउट पूरी तरह से गलत है यहां पर, इसको आप अभी नोट कर लें। डिस्कस डिस्क्राइब और एक्सप्लेन के बाद अबाउट नहीं आता और ना ही कोई और प्रपोजिशन आता है। मित्रों मैंने दो एग्जाम्पल्स आपको बताए किस तरीके से ये गलत हो गए और इसको हटाने से आप कब ये सही सेंटेंस होगा इसको आप समझ लें। मित्रों आप समझ गए होंगे अबाउट प्रपोजिशन के बारे में। अबाउट का यूज सिर्फ इतने ही कंडीशन में यूज करते हैं, तीन प्रकार की कंडीशन है जो मैंने आपको बताया। आज की इस वीडियो क्लास में सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो लेक्चर में फिर मिलता हूं मैं। प्रपोजिशन मित्रों इंग्लिश ग्रामर के उन चैप्टर में से एक चैप्टर है जिसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले खाली स्थान या एरर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन की परीक्षा में, तो आप इसे तैयार कर लें आप और जुड़ जाए मेरे साथ भारत के सबसे बड़े इस YouTube चैनल में। मेरे साथ आप जुड़ जाएं, यदि कोई भी मित्र कोई भी दोस्त यदि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन को प्रेस करें ताकि आप मेरे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि आपको अंग्रेजी सिखाना है और यदि आप अंग्रेजी वास्तव में सीखना चाहते हैं तो मनमोहन सर के साथ जुड़ें। धन्यवाद वीडियो लेक्चर देखने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, और तैयार रहे आप लोग अगले वीडियो लेक्चर के लिए। अब मैं चलता हूं।